उस दिन वो आके एसआई सर से भी मिलके गया। मैंने कहा कि आप ही बात करोगे। अंकल एक छोटा बच्चा गुम हो गया है। कौन है वो? मेरा फ्रेंड वीर, वो उसके मम्मी पापा है। उन्हें बुलाओ यहाँ पर। कपड़े भी धो। वीर गुम हो गया है, मैंने बता दिया, पुलिस अंकल आपको बुला रहे हैं। पुलिस वालों के पास क्यों? चलिए वो हमारी हेल्प करेंगे, चलिए ना। वो सारे फिटनेस वीक है अंकल। नमस्ते सर। क्या हुआ रे? मेरा बच्चा लापता हो गया है सर। उसकी उम्र कितनी है? 4 साल। क्या? 4 साल। दारू बहुत पीता है क्या? मैं सुबह काम पर जाता हूँ और सीधे शाम को घर आता हूँ, मेरी ऐसी आदत नहीं है सर। दारू के लिए बच्चे को भेज दिया होगा सर? नहीं अंकल, ये सच कह रहे हैं, मॉर्निंग काम पर जाते हैं और रात को लौट कर आते हैं। वैसे ये स्कूल की बच्ची ये सब बातें क्यों कर रही है? इसे भी भेज दोगे क्या? साहब ये ऐसे आदमी नहीं है, मेरा बेटा सच में खो गया है। पैदा करके रोड पर फेंक दो और फिर हम ढूंढ कर लाएं। बच्चे पालने की औकात नहीं है तो बच्चे क्यों पैदा करते हो? कहाँ रहता है तू? उस झोपड़ी में ना? तेरे बाप की जमीन है क्या वो? कहीं भी झोपड़ा बना के बस जाते हो? निकला। मासूम लोग हैं अंकल, उन्हें कुछ नहीं पता, प्लीज वीर को ढूंढ दीजिए। मैं पैसे लेता हूँ, ये बात किसने बताई? भूषण सर। तुम्हारा उनसे क्या लेना देना? कल से अगर तुम ऐसे अरे गहरे लोगों के साथ घूमती नजर आई ना तो डायरेक्ट तुम्हारे प्रिंसिपल को बताऊंगा, ठीक है? अभी स्कूल जाओ। आ रहा हूं। इस टाइम क्यों आई हो बेटी? अर्जेंट है अंकल, आप मेरे साथ आइए। क्यों, क्या हुआ? मिनिस्टर जी का बेटा कहाँ रहता है मुझे पता है, उसके कहने पर पुलिस वीर को ढूंढ निकालेगी। अंकल हमें मिनिस्टर साहब के बेटे से मिलना है। बच्चों की एंट्री नहीं है। प्लीज अंकल बस 5 मिनट। एक छोटा बच्चा गुम हो गया है, बहुत अर्जेंट है, आपसे बात करनी है। नमस्ते सर। मैं यहाँ मिलूंगा, किसने बताया? भूषण सर। ये कौन है, तुम्हारे घर का नौकर है क्या? नहीं नहीं, इनका बेटा मेरा फ्रेंड है। तो खुद को मदर टेरेसा समझती है क्या? चिल आउट, बाहर निकल, मजे कर, एंजॉय कर, स्कूल जा, ये सब करने की क्या जरूरत है? ए, तू रो क्यों रही है? आप कब रोते हैं? मैं? रिलैक्स किडो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपकी कार को कुछ होगा तो आप रोएंगे ना? अरे सुनो सर, यहाँ महिता नाम की स्टूडेंट 7th क्लास में है सर, मुझे एक बार उससे बात करनी है। किस बारे में? एक लापता बच्चे की कंप्लेंट की थी उसने। अभी लेकर आता हूँ। हाँ, और एक बात सर, यहाँ भूषण सर। भूषण सर ये देखिए। बोलिए सर, आपके बेटे का एडमिशन करना है क्या या आपकी बेटी के लिए?
स्कूल में आप कौन सा लेसन पढ़ाते हैं? सब स्कूल के मुताबिक मैं 2 लेसन ज्यादा पढ़ाता हूँ, सिलेबस और आउट ऑफ सिलेबस दोनों। आउट ऑफ सिलेबस मतलब मंत्री का बेटा बार में पी के गिर जाता है, पुलिस रिश्वत लिए बिना काम नहीं करती है, ये सब ना? आप क्या बोल रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है सर। वो मैंने ऐसा कभी पढ़ाया नहीं है सर। ऐसा अगर पढ़ाया होता तो वैसे आपको मेरे बारे में किसने बताया सर? यही अंकल है ना, पुलिस रिश्वत लिए बिना कोई काम नहीं करती है, ऐसा कहा था ना? दरअसल वो मैंने बचपन में फिल्म देखी थी और वही बात मैंने कैजुअली बताई थी इसे। हाँ लेकिन आप ऐसे सच में लेते हैं ये मुझे पता नहीं था। अब ऐसे ही मैंने बोल दिया, छोटी बच्ची है, मिस कम्युनिकेशन, मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस फेयर, बस इतना ही। थोड़ी इंग्लिश कम कर और फिल्मों की बातें बताना बंद कर, नहीं तो मुझे तुझे फिल्म दिखानी पड़ेगी, समझ गया ना? सर निकल। हेलो सर। पेन। थैंक यू सर। तुम मिनिस्टर के बेटे को जानती हो, ये बात बताई क्यों नहीं? हमें हाल ही में रेलवे ट्रैक पर एक बॉडी मिली है, तुम जिस बच्चे को ढूंढ रही हो और इस तस्वीर में जो बच्चा है, देखकर बताओ ये वही है? देखो देखो बेटी। तुम्हारा विश्वास बहुत मजबूत है बेटी, वो बच्चा तुम्हें जरूर मिल जाएगा। अरे कह रहे थे कितना खर्चो, हमें कोई परवाह नहीं, तो फालतू चीजें क्यों खरीद रही हो? कोई महंगी चीज खरीदने को बोलो। वो हंसे ना हंसे कोई परवाह नहीं है, अरे एक घर खरीदने को कहो ना। ये तो बस कहने की बात है भाभी, अगर गलती से मैंने घर खरीदने को कहा तो जब देखूंगी ना तो वहां से भाग जाएंगे। ये देखो देखो देखो, कांजीवरम की साड़ी, लोग तुम्हें इस साड़ी में देख के जल जाएंगे और हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। यही फिक्स कर लेते हैं भाभी, अब और कुछ नहीं सोचना। देखो ये गोल्डन बॉर्डर कितना महंगा लग रहा है, तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा, इसके ऊपर बैंगनी रंग का ब्लाउज तो बहुत जमेगा। भाभी हाँ, मुझे साड़ी नहीं चाहिए। क्यों? 4 बार पहन लूंगी तो फिर बोर हो जाऊंगी, नया फ्रिज खरीद लेती हूँ। कि पुराना फ्रिज ना मेरी जान खा रहा है, नया फ्रिज आ जाएगा, रोज 10 बार खोलकर बंद करूंगी तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी ना। सही कहा, आजकल तो कमरे के बराबर साइज के फ्रिज आ रहे हैं। अच्छा? हाँ मेम साहब, मैंने भी एक दिन ऑटो में देखा था। ये मॉडल्स नए हैं मैडम। भाभी इस दुकान में फ्रिज कितने छोटे हैं ना? हाँ शायद जानबूझ के छोटे दिखा रहा है, हमारी शक्ल देख के सोचा होगा कि हम बड़ा नहीं खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर सारे छोटे छोटे फ्रिज हैं, कोई बड़ा नहीं है क्या? है मैडम, वो 60,000 से लेके 1,00,000 के ऊपर है। हम क्या तुझे खरीदने को बोल रहे हैं, तो रेट की क्यों फिकर कर रहा है इतनी? अरे बड़ा फ्रिज दिखाना हमें। ओके मैडम। चलो आइए। ऐसे कर रहा है जैसे कि मेरा पति है, फ्रिज दिखाया नहीं और कह दिया बजट में नहीं है। ये सैमसंग का फ्रिज है मैडम। अरे दरवाजा तो खोल के दिखाओ जरा। भाभी भाभी। हाँ हाँ, एक मिनट आती हूँ। सर वहाँ देखो। हाय भाभी, इस टीवी में हमारा सीरियल फिल्म की तरह दिखाई देगा ना? वो जो साड़ी पहनी है ना वो ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट, क्लियर पता चल जाएगा। हाँ। ये कितने का है? 2,00,000 का मैडम। 2,00,000 का? 2,00,000 का ही है मैडम। फिक्स प्राइस है क्या? इसीलिए आपको मैं उस तरफ ले गया था। जितना पूछे उसका जवाब दो, ज्यादा ज्ञानी मत बनो। हेलो सर। हाँ बोलो बेटी गायत्री। मुझे क्या चाहिए मैंने डिसाइड कर लिया। क्या चाहिए बोलो ना।
सैमसंग टीवी, एस मोटरसाइकिल। मैं जो सोच रही थी तुमने तो वही बोल दिया भाभी। अच्छा भाभी, अगर हम बाइक खरीदेंगे तो सिर्फ दो लोग जा पाएंगे, कार खरीदेंगे तो पूरा परिवार खुशी खुशी घूम सकता है। भैया एसी थोड़ा बढ़ा दो ना। भाभी हाँ, वो धूल जरा भी नाक में नहीं आ रही। भैया जरा गाड़ी रोको, कार तो खरीद लेंगे पर उसमें हर बार पेट्रोल नहीं भरवा पाएंगे ना। हाँ। कुछ भी खरीदो खराब हो जाएगा, सिर्फ सोना खराब नहीं होगा भाभी, रख रखाव का भी कोई खर्चा नहीं। ये शॉप, ये शहर की सबसे बड़ी शॉप है, ऐसा कुछ भी नहीं जो यहाँ ना मिलता हो। यहाँ कुछ पसंद ना आए तो दूसरी शॉप पे चलेंगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, इनको जो चाहिए वो दिखा दो। ओके सर, मैम प्रीमियम डिजाइन सुपर है, आइए। जाओ बेटी, और हाँ सुनो, रिलैक्स होके तुम्हें जो भी चाहिए वो ठीक से देख के खरीदना, जाओ सेलेक्ट करो। मैम ही इज आवर मैनेजर। नमस्ते मैडम। थैंक यू मैम। प्लीज जरा वो दिखाइए। ओके मैडम। ये कितने का है? आप सिलेक्ट कीजिए मैडम, जल्दी क्या है, आप पसंद कीजिए, रेट लग जाएगा। जरा वो दिखाइए ना। वो ओल्ड फैशन है मैडम, ये देखिए लेटेस्ट डिजाइन। बैठी मैडम। प्लीज। सिर्फ सोना खराब नहीं होगा भाभी, तो फिर अगले साल ये भी ओल्ड फैशन हो जाएगा ना? आप फिक्र मत कीजिए मैडम, नए डिजाइन के आते ही आपको हमारे शॉप में अच्छे रेट में एक्सचेंज मिल जाएगा। अरे इडियट, एक काम भी नहीं कर सकता, ये लेके जाए दूसरा जूस लेके। सॉरी मैडम, सॉरी। क्यों बेटी, वो नेकलेस पसंद आया तुम्हें? सर अगर आप बुरा ना माने तो मुझे एक और दिन का समय देंगे। ओके। अभी? हाय। हाय, अब तक सोए नहीं? नहीं। मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे नींद ही नहीं आ रही। क्या हुआ? You know, मेरा US का वीजा अप्रूव हो गया। Congrats. Thanks. ड्राइव पर चले। ये है बात बात। ये है बात बात। ओले। Hey. Wow. This place is like heaven. Awesome. So, कौन सी यूनिवर्सिटी? Stanford. It's a beautiful place, na? Two time miss हो गई थी. Finally, I got it. Hey, once again. ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ. Open it. Yeah. पसंद नहीं आया क्या? It's beautiful. सबके लिए कुछ खरीदा, तुम्हें क्या पसंद है पता नहीं। बहुत सोचा तुम्हारे पसंदीदा लैपटॉप के लिए, फिर बैग खरीदा, नाइस ना? दिल के इतने करीब है तो इसे बेच क्यों रहे हो बेटा? जो दिल के और भी करीब है। बहुत अच्छा ही है, थैंक यू सो मच। फ्रेंडशिप में नो थैंक्स नो सॉरी। मुझे भी तुम्हें एक सरप्राइज देना है। रियली? व्हाट? कल कहाँ रहोगी? शॉपिंग, आई हैव सो मच टू शॉप। हे, दो चाय।